नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन में है कि लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड्स। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज अ डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। What is the probability that she will buy it and she will not buy it? यहाँ पर नूरी नाम की एक लड़की है, एक शॉप पर जाती है और उस शॉप पर 144 बॉल पेंस रखे हैं जिसमें 20 बॉल पेंस डिफेक्टिव हैं। आपको ये बताना है कि नूरी ने जो खरीदा है उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी और जो नहीं खरीदा है उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी। ठीक है भाई, कोई पेन खरीदेगा तो गुड खरीदेगा, बैट तो खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पर नूरी के लिए पहले हम गुड पेन की निकालेंगे और फिर उसके बाद हम नॉट गुड पेन की जिसके उसने नहीं खरीदा है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स इक्वल टू 144। कितने पेन हैं? 144 है एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेंस इक्वल टू कितने हैं यहाँ पर? 20 हैं। 20 बाल पेंस हैं और 20 जो है यहाँ पर 144 बाल पेंस टोटल है, 20 डिफेक्टिव हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ गुड पेंस होगा वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ गुड पेंस 144 से 20 आप माइनस कर दें तो यहाँ पर जाएगा 124। 124 बॉल पेंस कैसे हैं? गुड हैं। तो नंबर आप यहाँ पर इसका आएगा, सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पर 124 गुड पेंस है और 144 टोटल पेंस है। इसको आप डिवाइड करें, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 जा, ठीक है 124 आपके पास बॉल पेंस हो गए। और इसको आप डिवाइड कर दें यहाँ पर तो 2 3 6 एंड 2 1 जा एंड दिस इज 36। 21/36 जो होगा उसने खरीदा होगा पेन, जो सी विल बाय इट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 31/36 होगी। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड के लिए है प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाय इट इक्वल टू 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने का सम 1 होता है। यहाँ पर होने के लिए 31/36 आया है and probability she will not buy it की probability क्या होगी? 1। तो यहाँ पर probability of not buy के लिए आप लिखेंगे 1 और यहाँ पर से इसको लाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 31/36। देन 36 वन जा 36 माइनस 31/36, 6 - 1 = 5, 3 - 3 = 0 और ये हो गया 36। 5/36 जो प्रोबेबिलिटी होगी सी विल नॉट बाय इट की प्रोबेबिलिटी होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।